यार मुझे ना बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी ऑयली स्किन है, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ समझ में नहीं आता है, इवन इतनी ज़्यादा ऑयली है ना कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ वो भी नहीं पता, कौन सा कंसीलर यूज़ करना चाहिए, मेकअप फिक्सर कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें आपको पूरे प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए अपनी स्किन में, एंड आप अपनी पूरी वैनिटी बना सकते हैं बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट के साथ। मैं आपको एक बहुत ही सस्ते में पूरी वैनिटी बताऊंगी कि आप अपनी कैसे पूरी वैनिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वाले। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, साथ ही आपको प्राइस भी दिख जाएगा, और जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मेकअप का रूल पता है कि क्या होता है। मेकअप का रूल होता है CTM, यानी कि क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये सबसे पहला मेकअप का रूल होता है। तो सबसे पहले आता है क्लिंजिंग। अब देखो क्लिंजिंग के लिए ना मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकती हूँ। तो क्लिंजिंग के लिए आप सबसे पहले यूज कर सकते हैं वेट वाइप्स। देखो वेट वाइप्स भी ना बहुत सारे वैरायटी के आते हैं। एक बेबीज वाले वेट वाइप्स आते हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ध्यान रखें वो बेबीज के लिए आते हैं, तो उसको अप्लाई ना करें। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं वेट वाइप्स के, जिसको आप बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हैं, और वो काफी अच्छे से ना आपके मेकअप को भी रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ तीन ऑप्शन, ज्यादा नहीं बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्विस ब्यूटी का वेट वाइप्स, जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, फ्रेंडली प्राइजेस का, यानी काफी अच्छे से वर्क करता है, काफी अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव भी कर देता है। सेकेंड आता है कलर बार का वाइप्स, ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आप देख सकते हो, एंड काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैंने जो जो यूज किया है ना मैं आप लोगों को सजेस्ट वही करूंगी, एंड शायद कुछ कुछ यूज नहीं भी किया है, बट वो सारे प्रोडक्ट ना ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। थर्ड आता है क्लिनो वाइप्स, ये मानती हूँ थोड़े से बजट से बाहर हैं, थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये वाले ना बहुत ही अमेजिंग वाइप्स हैं। इससे ना आपके जितने भी मेकअप पे काफी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, और इसमें जो ग्रेनुल्स है ना वो आपके डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाएं तो आप ये वाला ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं वाइप्स का ना स्किन टाइप से कोई लेना देना नहीं होता है, आप कोई भी स्किन टाइप में कोई भी वाइप्स यूज कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको बजट फ्रेंडली और जो बेस्ट वाइप्स है जो मैंने यूज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो अब आता है टोनर, यानी कि CTM, क्लिंजिंग के बाद आता है टोनर। अब देखो फेस क्लीन करने के बाद ना हमें हमारे फेस को थोड़ी सी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए हम टोनर यूज कर सकते हैं। वैसे तो देखो मल्टीपल ऑप्शन है टोनर के लिए, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आप रोज वाटर यूज करते हैं ना तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रोज वाटर यूज कर रहे हैं, आपको सूट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और रिकमेंड करूंगी, जो कि है शीएस एसेंशियल का ग्लो किट। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको बिफोर मेकअप भी यूज कर सकते हो, आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हो, वो कहाँ पे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो ये वाला टोनर ना काफी ज्यादा अच्छा होता है यार, एक बार इन्वेस्ट करो और ये एक प्रोडक्ट ना आपके दो से तीन जगह पे काम आने वाले हैं, तो आप एक ही बार में इसको ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो आप प्लम का ये वाला टोनर यूज कर सकते हो, जो ऑयल फ्री है, यानी कि अगर आपके स्किन में जो ऑयल आते हैं, स्वेटिंग होती है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बताया जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, एंड एक थोड़ा सा आपको बजट से बाहर हो जाएगा, बाकी दोनों बजट फ्रेंडली, आप कोई भी ले सकते हैं। देखो टोनर क्या होता है ना, टोनर भी आपके स्किन टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूज कर रहे हैं तो टोनर आपके स्किन टाइप पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, बट मैंने आपको यहाँ पे तीन बेस्ट टोनर बताए हैं। तो अब आ गया CTM, एम नेक्स्ट आते हैं मॉइस्चराइजर। यहाँ पे होती है मेन बात, क्योंकि मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिपेंड होता है आपकी स्किन टाइप पे, कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लिया, आपकी कोई भी टाइप की स्किन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, मेकअप आपका पैची भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जो ऑयली स्किन वाले हैं ना उनको यूज करना होता है वाटर जेल मॉइस्चराइजर। देखो एक क्रीमी मॉइस्चराइजर होता है, एक वाटर जेल होता है, तो ऑयली स्किन वाले ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें वाटर जेल मॉइस्चराइजर यूज करने का। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है ना वो ऑयली स्किन वालों के में ना धमाल मचा देता है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद ना आपकी स्किन में हाइड्रेशन तो होगा, साथ ही आपकी स्किन ये ऑयल कंट्रोल करेगा और आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है। तो इसलिए आपको मॉइस्चराइजर जो है वो अपनी स्किन टाइप का ही यूज करना है, कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप किस टाइप का यूज कर रहे हैं, ड्राई स्किन है तो किस टाइप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने बताया ऑयली स्किन वाले को यूज करना है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर के ऑप्शन बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक है PAC का एक्वा ब्लास्ट, जो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं खुद इसको ट्राई की हुई हूँ, अपने क्लाइंट पे किया हुआ, अपने स्टूडेंट पे किया हुआ है, एंड खुद पे भी ट्राई करके मैंने देखा है, काफी ज्यादा अमेजिंग है, वाटर जेल मॉइस्चराइजर है,
एंड आई गेस ये आपको समथिंग 350 या 400 के अंदर मिल जाता है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग से ये रिजल्ट देता है। सेकंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी रिकोड का मॉइस्चराइजर, काफी बजट फ्रेंडली है ये मॉइस्चराइजर और आंख बंद करके ऑयली स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके स्किन में जो ऑयल है ना वो काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगी न्यूट्रीजेना का मॉइस्चराइजर, ये भी वाटर जेल मॉइस्चराइजर होता है, आपके स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट प्रोवाइड करता है एंड आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये हो गया मॉइस्चराइजर CTM, ये हमारे स्किन मेकअप करने का सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें आपको मॉइस्चराइजर पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑप्शन बता दिए, वैसे अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने आपको 3 बेस्ट वाले बताए हैं जो आप लोग यूज करेंगे तो आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हैं, आपका मेकअप ना एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फ्लॉलेस रहेगा एंड ऑयलिंग ऑयल भी नहीं होगा। अब आती है प्राइमर की बारी, तो देखो जो लोग भी प्राइमर यूज नहीं कर रहे हो ना भाई साहब, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप प्राइमर यूज नहीं कर रहे हो। प्राइमर का काम होता है आपके पोर्स को और आपके जो स्किन के टेक्सचर है उसको स्मूथ करना और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, स्मूथ बनाना, फ्लॉलेस बनाना। तो देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो पोर्स प्राइमर होता है ना वो आपके पोर्स को क्लोज नहीं करता है, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राइमर लगाने के बाद भी हमारे ओपन पोर्स दिख रहे हैं। देखो भाई दिखेंगे ही, ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स हैं तो वो दिखेंगे ही, बस वो आपके टेक्स्चर को स्मूथ कर देता है ना कि ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है, तो ये वाली बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो इस टाइम पे ना आप एक ऐसा प्राइमर यूज करो जो आपको मैट फिनिशिंग दे, यानी कि मैटिफाइंग प्राइमर। अभी जाके देखो आप जो प्राइमर यूज करते हो ऑयली स्किन वाले उसमें मैट फिनिश या फिर मैटिफाइंग लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दो, लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाती हूँ जो मैटिफाइंग प्राइमर है। सबसे पहले आता है कलर बार का प्राइमर, ये मैटिफाइंग प्राइमर है, काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपके स्किन को काफी अच्छे से आपके जो टेक्स्चर है उसको काफी स्मूथ कर देता है एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा एंड टेक्स्चर को स्मूथ भी करेगा। सेकंड आता है रिकोड का प्राइमर, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी मैट फिनिशिंग प्राइमर है, ये भी आप यूज कर सकते हो। एक और आता है आपका मेबिलिन का प्राइमर, ये भी मैट फिनिशिंग प्राइमर होता है, तो जिस प्राइमर में मैटिफाइंग लिखा रहता है या मैट फिनिश प्राइमर लिखा होता है वो प्राइमर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 3 बेस्ट ऑप्शन बताए हैं जो मैंने ट्राई किए हुए हैं। ओके, तो अब आते हैं हम कंसीलर पे। तो कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको आपको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत लोग स्किप कर देते हैं और ये मिस्टेक कर देते हैं, तो कंसीलर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लाइक आपकी नॉर्मल स्किन है तो उनको ये कंसीलर यूज करना है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये कंसीलर यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है स्किन टाइप पे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन बताती हूँ कंसीलर के जो काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड अफोर्डेबल भी है। सबसे पहला आता है स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड ये कंसीलर ना सच बताऊं काफी ज्यादा अच्छा है। देखो मैं ऐसे स्विस ब्यूटी के हर प्रोडक्ट को नहीं बोलूंगी लेकिन कुछ स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक बात बताऊं, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर ना मैं इवन अपनी ब्राइड तक को देती हूँ, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, सस्ता है, अच्छा है, आंख बंद करके ले लो आप लोग। सेकंड में मैं आपको बताती हूँ फिटमी का ये कंसीलर जो मेबलिन का आता है, ये कंसीलर भी आपको समथिंग 450 और 500 के अंदर मिल जाता है एंड ये भी काफी अच्छा है, मैट फिनिशिंग देता है। इसमें ना आपको 2 कंसीलर आते हैं फिटमी, तो एक आता है इरेज वाला एज रिमाइंडिंग कंसीलर, वो मुझे उतना ज्यादा नहीं पसंद, उसके बदले आपकी नॉर्मल वाला कंसीलर यूज कीजिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगी एलेगल का, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बेस्ट कंसीलर है, हर एक स्किन टोन में जाता है एंड काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव में जाओ ना तो एक ही कंसीलर लो एलेगल का, और अदरवाइज अगर आप कुछ नॉर्मल लेना है तो आप स्विस ब्यूटी भी ले सकते हो। तो ये 3 कंसीलर काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब आते हैं फाउंडेशन के ऊपर, और फाउंडेशन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे कि आपकी स्किन टाइप कौन सी और आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ड्राई है और आप हुडा ब्यूटी या फिर का फाउंडेशन यूज कर रही हो, या आपकी स्किन टाइप कुछ और है और आप कुछ और फाउंडेशन यूज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयली स्किन वाले को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी वो फाउंडेशन ले फाउंडेशन के आगे मैट लिखा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, फाउंडेशन के आगे मैट लिखा हुआ होना चाहिए तो वो आप ले सकते हो, अदरवाइज स्किन के आगे ना ग्लोइंग लिखा हुआ है या फिर हाइड्रेटिंग लिखा हुआ है, इल्यूमिनियस या फिर शीर ग्लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये फाउंडेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको लेना है मैट फिनिशिंग फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी 3 बेस्ट मैट फिनिशिंग फाउंडेशन।
सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो होता है एले गलगा फाउंडेशन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये फाउंडेशन लगाते ही ना आपको एकदम से मैजिक देखने को मिल जाएगा। आप एक लेयर लगा लोगे, उसके बाद अगर आप सेकेंड लेयर भी लगा लोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आपने ज़्यादा लगाया है। एंड आपके स्किन में आप बहुत अच्छे से स्किन ऑयल कंट्रोल करता है। एले गलगा में भी ना दो फाउंडेशन आते हैं, एक आता है प्रो कवरेज, एक आता है प्रो मैट। तो इसलिए मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जिसमें मैट लिखा हुआ है वो लेना है ऑयली स्किन वाले को, तो आप प्रो मैट वाला लीजिए, प्रो कवरेज वाला नहीं लेना है आपको। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी चार्मेसी मिलानो का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो इतना ज्यादा अमेजिंग है ना। उसको एक लेयर लगाते ही ऐसा लगता है कि जैसे आपने फिल्टर लगा लिया हो, वो इतना अच्छे से वर्क करता है। आपके जितने भी एक्सेस ऑयल है ना वो उसको कंट्रोल करता है। ये दोनों फाउंडेशन आपको 1000 के आसपास मिल जाते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अगर आपको नहीं पता है ना कि फाउंडेशन का आपको, जैसे अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि हम हमारे शेड का फाउंडेशन कौन सा है, हम किस तरीके से पता करें, अगर आपको उसके बारे में जानना है डिटेल वीडियो, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर लेके आऊंगी। तो एक मैंने बताया आपको एले गलगा फाउंडेशन, एले गलगा प्रो मैट फाउंडेशन, सेकंड आप ले सकते हो चार्मेसी मिलानो का फाउंडेशन, एंड थर्ड मैं आपको बताती हूँ मेबलिन का फाउंडेशन। मेबलिन का ना बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैट फिनिशिंग है। इसको लगाते ही ना आपके फेस में एकदम वो मैट वाला लुक आ जाता है, काफ़ी अमेजिंग है। मैंने तीनों यूज़ किया हुआ है, इन तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेबलिन का अंडर बजट आ जाता है और दोनों थोड़ा सा हाई बजट हो जाता है, बट ये तीनों फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब आते हैं हम लोग का हो गया फाउंडेशन, देन आता है हमारा लूज पाउडर। अब देखो लूज पाउडर भी ऐसा है ना कि आपके स्किन के हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, फिर भी अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो मेबलिन का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, जो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप पीएससी का भी ये वाला जो लूज पाउडर है इसको यूज कर सकते हो, आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा आपके स्किन टाइप में मैटर नहीं करते। फिर भी यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 लूज पाउडर अच्छे अच्छे सजेस्ट कर देती हूँ। एक मैंने आपको बताया जो कि है पीएससी का लूज पाउडर, दूसरा आप यूज कर सकते हो मेबलिन का कॉम्पैक्ट, तीसरा मैं आपको बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हो, मैं खुद यूज कर रही हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है मालियो का ये वाला लूज पाउडर, जो काफी ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगी ना कि आप बोलोगे वाह मजा आ गया ये सुन के, तो क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपके स्किन टाइप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हमारा होता है ब्लशर, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर, अगर आप इस टाइप का कोई पैलेट लेना चाहते हो ना तो आप ये ले सकते हो शुगर का। ध्यान रखें आपको पैलेट, मतलब वो बड़ा वाला पैलेट नहीं लेना है जिसमें 4-4, 5-5 शेड देते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए ले रहे हो तो आप ये ले सकते हो, इसमें एक ब्रॉन्जर आता है, एक हाइलाइटर आता है और एक ब्लशर का शेड आता है, इसमें एक एक सिंगल आता है। कुछ लोग पैलेट मतलब ये समझते हैं ना कि हमें बड़ा वाला पैलेट ले लेना और बड़ा पैलेट खरीद लेते हैं, तो सेल्फ के लिए आपको वो नहीं करना है। जो बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट है वो खरीद सकते हैं दूसरा पैलेट। उसके अलावा आपको अगर सेल्फ वाला चाहिए तो आप ये शुगर वाला ले सकते हो, जो काफी अच्छा है, रिजल्ट इसका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लश चाहिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर वाला ब्लशर यूज करें, जो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होता है, मैट फॉर्म में होता है। जो लिक्विड वाला ब्लशर होता है, क्रीमी ब्लश होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। ये था ब्लशर। अब आता है हमारा लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि है मेकअप फिक्सर। तो देखो अब मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, अब मेकअप को सेट करने के लिए ना आपको एक अच्छा सेटिंग स्प्रे या फिर एक अच्छा मेकअप फिक्सर चाहिए, जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखे एंड आपके जो फेस पर ऑयल है उसको भी कंट्रोल करे। देखो कुछ कुछ मेकअप फिक्सर होते हैं जो ग्लॉसी होते हैं, शाइनी होते हैं, उसमें इल्यूमिनेटर होता है, तो वो वाले फिक्सर आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फिक्सर सजेस्ट करती हूँ। आपको याद होगा तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टोनर के बारे में बताया था, जो था सीएस एसेंशियल का। जी हाँ, वो वाला जो बताया था ना, आप उसको भी मेकअप फिक्सर में यूज कर सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये एक प्रोडक्ट आपके दोनों जगह काम आने वाला है, तो आप एक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा चाहते हो तो आप ले सकते हो पीएससी का ये मेकअप फिक्सर, काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी है एंड ये भी काफी अच्छे से आपके मेकअप को सेट रखता है, लॉन्ग टाइम भी रखता है, ऑयल कंट्रोल भी करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट की डिटेल ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हो एंड बाय कर सकते हो। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए हैं, और अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो अभी ये वाली सीरीज ना काफी चलने वाली है, मैंने ऑयली बता दिया और ड्राई बता दिया, अब मैं कॉम्बिनेशन स्किन बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से फाउंडेशन का अपना शेड पता कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारे रिलेटेड वीडियोज मैं लाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोज देखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर लेके आऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।